हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएसटी सीईटी 2025 के वीडियोस, एमएसटी सीईटी 2025 के लेक्चर्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जर्नी एमएसटी सीईटी 2025 की। ठीक है, हर तरीके का मटेरियल जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया गया था, कोर्सेस हो गए, टेस्ट हो गए, काउंसलिंग हो गए, स्पेशल क्वेश्चंस हो गए, गाइडेंस हो गया, मेंटरिंग हो गया, हर एक चीज के बारे में आपको बताया जाएगा। हर एक दिन वीडियोस आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो सिर्फ चैनल को आपको सब्सक्राइब करे रखना है। जो भी बच्चा एमएसटी सीईटी 2025 के लिए टारगेट कर रहा है, एचएससी बोर्ड 2025 के लिए टारगेट कर रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल आपके लिए होने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके एमएसटी सीईटी 2025 के डेट्स के बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे, क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, 50-50 रूल आने वाला है या नहीं आने वाला है उसके ऊपर बात करेंगे, निगेटिव मार्किंग के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। जो भी पॉसिबल आपके डाउट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से ये वीडियो बनने वाला है। क्लियर बात है? तो सबसे बेसिक डाउट बच्चों के दिमाग में जो आ रहा है अभी, जो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट्स भी की थी इसके बारे में कि हम 50-50 रूल्स इंप्लीमेंट करेंगे एमएसटी सीईटी 2025 के अंदर। तो सबसे पहला टॉपिक के ऊपर बात करते हैं एमएसटी सीईटी 2025 के बारे में, 50-50 रूल के बारे में। ठीक है, तो क्या एमएसटी सीईटी 2025 में 50-50 रूल लागू होगा? तो उसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि 50-50 रूल क्या होता है। तो 50-50 रूल मतलब 50% वेटेज आपका बोर्ड्स को दिया जाएगा फॉर कॉलेज सिलेक्शन, एंड 50% आपका वेटेज दिया जाएगा एमएसटी सीईटी के एग्जाम को फॉर कॉलेज सिलेक्शन। अभी तक क्या होता आ रहा था कि 2024 तक सिर्फ 100% आपका वेटेज सिर्फ और सिर्फ एमएसटी सीईटी को होता था। तो क्या इस बार 50-50 होगा? ये बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे गवर्नमेंट की तरफ से एक फाइनल अनाउंसमेंट आ गया है बच्चों कि इस साल भी 50-50 रूल का इंप्लीमेंटेशन नहीं होने वाला है। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। लास्ट ईयर इंप्लीमेंट करने वाली थी गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि इस साल हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन सेम रीजन गवर्नमेंट ने इस साल भी दिया है कि इस साल भी ये रूल इंप्लीमेंट नहीं होने वाला है। क्लियर बात है? दूसरे डाउट के ऊपर बात करते हैं, एप्लीकेशन डेट। एप्लीकेशन डेट क्या होगी एमएसटी सीईटी की? तो हर बार एप्लीकेशन आपका आता है अराउंड जनवरी में। ठीक है, इस साल एप्लीकेशन आया था आपका, मतलब लास्ट ईयर की बैच के लिए एप्लीकेशन डेट थी 16 जनवरी। ठीक है, तो आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 20 जनवरी के आसपास आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा एमएसटी सीईटी का। सब चीजें मैं डेली वीडियोस में बताऊंगा आपको, आपको अपडेटेड रखूंगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डाउट आता है, भैया क्राइटेरिया क्या होता है एमएसटी सीईटी के लिए? हर कोई बच्चा एमएसटी सीईटी के एग्जाम दे सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, हर कोई बच्चा एमएसटी सीईटी के एग्जाम नहीं दे सकता। जिनके पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में या फिर पीसीबी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 45% नहीं आते बोर्ड्स में, वो बच्चे एमएसटी सीईटी में नहीं बैठ सकते, क्लियर कट। ठीक है, बायो और केमिस्ट्री को ऑप्शंस होते हैं आपके वोकेशनल सब्जेक्ट, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया आपका, आईटी हो गया। क्लियर बात है? तो क्राइटेरिया के बारे में क्लियर हुआ कि हर कोई बच्चा नहीं दे सकता, जिसके 45% क्रॉस है वही देगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डाउट्स जो बच्चों के दिमाग में आता है, कॉलेजेस कौन से मिलते हैं? ठीक है, तो अगर आप पीसीएम से दे रहे हो तो आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिलेंगे, और आप फार्मेसी में भी जा सकते हो विद यूजिंग योर पीसीएम ग्रुप, और अगर आप पीसीबी में हो तो आप एग्रीकल्चर में एडमिशन लेते हो या फिर आप बायोलॉजी में, सॉरी फार्मेसी में एडमिशन लेते हो। क्लियर बात है? कौन से बच्चे कौन से कॉलेजेस में जाएंगे ये चीज आपको क्लियर है। टॉप कॉलेजेस कौन से है जो एमएसटी सीईटी के माध्यम से आपको मिलते हैं? CUEP, VGTI, Walchen, PICT, VIT, KJSOMYA, SPIT, ये आपके टॉप कॉलेजेस है इंजीनियरिंग में। अगर मैं फार्मेसी में बात करूं तो आपका पूना कॉलेज है, आपका ICT है, ये आपके टॉप कॉलेजेस में आते हैं। ठीक है, बाकी टॉप कॉलेजेस के ऊपर डिटेल चर्चा हम अलग वीडियो में करने वाले। नेक्स्ट जो डाउट है कि एमएसटी सीईटी एग्जाम डेट कब होगी? सब बच्चे इसी चीज के लिए वेट कर रहे थे वीडियो में। आपकी डेट होने वाली है अराउंड 20 अप्रैल के अराउंड। ठीक है, 20 अप्रैल के अराउंड आपके एमएसटी सीईटी के एग्जाम होने वाली है। ये इंस्ट्रीमेशन गवर्नमेंट ने दे दिया है आपको। ठीक है, आप चाहे तो वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, इंस्ट्रीमेटेड डेट आपको 20 अप्रैल के आसपास दिख जाएगी। डेट्स के ऊपर क्लियर है डाउट? नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस क्या होता है? एचएससी बोर्ड के जो भी 12 के चैप्टर है, सारे के सारे चैप्टर आने वाले हैं। ठीक है, 11th के कुछ ही चैप्टर्स आते हैं, उनकी लिस्ट आपको मैं
ऐप पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप लिंक है, ठीक है। आज रात तक मैं सिलेबस अपलोड कर दूंगा एप्लीकेशन में, ठीक है। तो आप ऐप डाउनलोड करके सिलेबस, प्रॉपर सिलेबस जो गवर्नमेंट की तरफ से अभी अभी आया है फॉर न्यू बैच, वो सिलेबस आपको ऐप पे मिल जाएगा। क्लियर बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, और भी बहुत सारी पीडीएफ में व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालता हूं, तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना बेटा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एमएसटी सीईटी 2025 एंड फॉर बोर्ड्स 2025। क्लियर बात है। नेक्स्ट चीज, कंपटीशन बढ़ने वाला है घटने वाला है, इसके ऊपर डिटेल में चर्चा चाहिए, ठीक है, एक लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन मैं ओवरऑल एक आइडिया दे देता हूं। हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, लास्ट ईयर अराउंड 6 लाख बच्चे ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था, 6 लाख। हाँ, माना कि उसके एज कंपेयर टू 6 लाख सीट्स भी बढ़ती है, लेकिन जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं उतनी ड्रास्टिकली नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ती। तो ये बहुत डिटेल चर्चा है, कट ऑफ बढ़ेगा क्या, सिर्फ स्कोर क्या होना चाहिए, इसके ऊपर सेपरेट सेपरेट वीडियो आने वाले हैं आपके, ठीक है। आज का वीडियो सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि आपकी एमएसटी सीईटी के एग्जाम क्राइटेरिया, सिलेबस, अगर कोई बच्चा नया है तो उसको पता लग जाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो से हम सब्जेक्ट वाइज जाने वाले हैं, फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में क्या है, मैथ्स में क्या है, बायोलॉजी में क्या है, हर चीज कवर होने वाली है। सिर्फ सपोर्ट दिखाओ, चैनल पे बने रहो। लास्ट 5 साल से एमएसटी सीईटी में 99% वाले सबसे ज्यादा बच्चे आपको सीओईपी में, कौन सी कोचिंग के आप जाके चेक कर सकते हो, बीजेटीआई, वालचंद, पीएसटी, वीआईटी, केजेस और मैम, कौन सी कोचिंग के आप जाके चेक कर सकते हो। तो प्लीज ट्रस्ट रखो प्रोसेस पे, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे फ्री कॉन्टेंट आपको मिलेगा, और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। डेली वीडियोस की सीरीज आपकी ये चलती रहेगी, ब्रेक नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।